यूपी के बाजार में सरसों का तेल बड़ी छलांग लगाने के बाद एक बार फिर अपने पुराने स्तर की तरफ लौटने लगा है। पिछले साल 2021 में सरसों का तेल अपने सर्वाधिक स्तर 200 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था, जबकि 2022 की शुरुआत से ही सरसों के तेल के दाम लगातार घट रहे हैं। नए साल के सातवें दिन यानी 7 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के वायदा बाजार में सरसों के तेल के भाव पूरे 37 रुपये की गिरावट के साथ 163 रुपये प्रति लीटर पर खुले, जबकि एक दिन पहले गुरुवार को 164 रुपये प्रति लीटर थे। तेल के दाम घटने से बाजार एक बार फिर खुशी से गुलजार होने लगा है और निवेशकों ने राहत की सांस ली है। बाजार के जानकारों का दावा है कि जनवरी में सरसों के तेल के भाव अपने पुराने स्तर 100 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच सकते हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा। उल्लेखनीय है कि 2021 में कोरोना महामारी के दौरान सरसों के तेल में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली थी। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वह बढ़ोतरी बिचौलियों और जमाखोरी के चलते दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार सरसों की भरपूर पैदावार के कारण तेल के दाम कम होने तय हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी इस साल सरसों के तेल के दाम निम्न स्तर पर पहुंचने का अनुमान जताया है, क्योंकि प्रशासन को इस बार जमाखोरों पर नजर रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए इस बार सरसों के तेल की जमाखोरी करना आसान नहीं होगा और लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।